जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है उसका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट देखेंगे। ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, इसको पहले मछलीपट्टनम या मुसलीपट्टनम कहा जाता था। तो इसके बारे में आइए देखते हैं कि ये क्या क्या है। जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है ये एक पुराना ओल्डेस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड एरिया है आंध्र प्रदेश का। और इसको जैसा मैंने अभी कहा कि पहले मसूलीपट्टनम कहते थे, और ये 1859 में एक तरह से उस समय का गुंटूर डिस्ट्रिक्ट अबॉलिश करके, और इसको जो एक तरह से इस समय उस समय के जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ताल्लुका थे उनको रिनेम किया गया था एज अ कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, और ये कृष्णा रिवर के नाम पर किया गया था। तो जो मुसलीपट्टनम था ये गुंटूर को हटा के मुसलीपट्टनम किया गया था, और बाद में फिर जब आज़ादी मिली तो इसको दोबारा गुंटूर किया गया, और जो तालुकात थे कृष्णा के उसको उस जो अलग अलग तालुकात थे उसको कृष्णा डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं। और एक तरह से ये मुसलीपट्टनम जो मिडिवल इंडिया है उसमें बहुत ही फेमस पोर्ट था, एक बंदरगाह था जहाँ पर जो मसाले के व्यापारी होते थे या और भी जो यूरोपियन ट्रेवलर होते थे वो यहाँ पर बहुत एक तरह से इस पोर्ट को अपने आने जाने के लिए सुगम मानते थे। तो आइए इसके बारे में और भी देखते हैं। जो एरिया है ये 8,727 स्क्वायर किलोमीटर है। लैंग्वेज है तेलुगु। कोस्टल लाइन इसकी 88 किलोमीटर है, और जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के साधन है वो आइए देखते हैं। तो जो विजयवाड़ा सिटी है, विजयवाड़ा सिटी लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर है इस ज़िले की, और यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन भी हैं जो कनेक्ट करते हैं दिल्ली से, कलकत्ता से, मद्रास, हुबली और गोडीवाड़ा और मसलीपट्टनम से। इसके साथ साथ जो एरोड्रोम्स है यहाँ इस ज़िले के कृष्णा ज़िले के गन्नावरम में जो 16 किलोमीटर अवे है, एक माइनर्स एक तरह से 16 किलोमीटर ही मछलीपट्टनम से दूर है, ये सेकेंड लार्जेस्ट बस स्टेशन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है जो विजयवाड़ा में लोकेटेड है। तो जो एरोड्रोम है गन्नावरम वो 16 किलोमीटर दूर दूर है मछलीपट्टनम से, और इसके साथ साथ जो इस ज़िले में विजयवाड़ा है वहाँ पे लार्जेस्ट बस स्टेशन कॉम्प्लेक्स है। इसके साथ साथ जो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है ये वाइड रेंज में टूरिज्म स्पॉट भी है, टूरिज्म प्रोवाइड करता है। इसमें रिलीजियस टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, इंजीनियरिंग टूरिज्म है। तो एक तरह से अगर आप जाना चाहते हैं तो ये चार तरह के आप टूरिज्म कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो G2C सर्विसेज हैं, G2G भी सर्विसेज हैं, जो स्कीम है वो यहाँ पे चल रही है। ये स्कीम मैंने पहले ही भी बताया, जिसमें YSR, आरोग्य श्री, महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, हाउसिंग के लिए है, वाटर कंजर्वेशन मिशन है, स्त्री निधि है। इसके अलावा जो ज़िला है, ज़िले की चार रेवेन्यू डिवीज़न है और 53 मंडल्स हैं, 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं और 1,005 विलेज हैं। और पब्लिक यूटिलिटीज़ अगर देखें तो बैंक 825 हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी 32 हैं, इलेक्ट्रिसिटी 1 है, हॉस्पिटल्स 149 हैं, म्यूनसिपालिटीज़ 11 हैं, NGO 0 हैं, और पुलिस ऑफिस हैं 16, पुलिस स्टेशन हैं 57, पोस्टल्स यहाँ पे डाकघर हैं 821, स्कूल हैं 4,574 और टेलीकॉम 1 है यहाँ पे। इसके साथ में ये जो APSRTC है जो आंध्र प्रदेश का एक तरह से रोडवेज होता है, तो वहाँ की ये रोडवेज है, उसकी एक इमेज है। और इसके साथ में ये एक जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं वो निर्देश दे रहे हैं जो रिवर कृष्णा है उससे डैम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और ये पीछे एक डैम, और ये जो ऑफिशियल्स हैं उनकी कुछ
कुछ इमेजेस, और ये पराकशम बैराज है। पराकशम बैराज, बैराज में क्या होता है, पानी को रोका जाता है, और जब पानी की एक तरह से किल्लत होती है उस समय यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, और यहाँ से बिजली भी बनते हैं। ज़्यादातर बैराज में तो बिजली नहीं बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं बनाने की भी टरबाइन के द्वारा उस पर पानी का जो फ्लो होता है गिरता है, और फिर वो इन बड़े बड़े इन्वर्टर के द्वारा और जनरेटर के द्वारा उसको कलेक्ट किया जाता है, और बाद में सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके साथ साथ जो यहाँ पे एक बीच फंक्शन फेस्टिवल है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही नैरो में यहाँ पे लोग ये एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मशूला बीच फेस्टिवल है, और अगर आप देखें तो डिस्क्रिप्शन भी है इसका, डिस्क्रिप्शन है जॉय राइड है। यहाँ पे एक तरह से अगर आप, ये बलून है, यहाँ पे राइड करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे कराया जा रहा है, और इसकी प्राइस फीस भी लिखी है 700 एक आदमी का, और 500 फीट जो फ्लाइंग हाइट है वो है, और इसके अलावा टाइमिंग दिया हुआ है कि कब से कब तक आ सकते हैं, तो मॉर्निंग का और इवनिंग का टाइम है, आसानी से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये मसूला बीच फेस्टिवल तो हो ही गया, इसके अलावा जो ये अगर आप मैप में देखना चाहें तो ये 13 ज़िले हैं टोटल आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही स्टेट थे, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया, तो तब से इसमें 13 ज़िले बचे हैं। और ये अगर आप देखना चाहें तो ये जो यहाँ पे वेस्ट गोदावरी और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के बीच में कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, और कृष्णा और गुंटूर को कृष्णा रिवर डिवाइड करती है। तो ये आप, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, ये हो गया गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से ये रिवर कृष्णा बहती है, और ये दोनों दोनों स्टेट को ये डिवाइड करती है, सॉरी स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट को। तो इस तरह से है, ये 13 है, और इधर इधर बे ऑफ बंगाल है, तो यहीं पे आके ये सारी नदियों का पानी गिरता है। फिर अभी यहीं पे ये ख़त्म होता है, और बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। आशा करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।